मणिपुर में जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है उससे पूरा देश सन्न है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी मणिपुर जैसी घटना का दावा सामने आ रहा है। बीजेपी की महिला नेता ने लगाया है आरोप। हावड़ा के पंचाला में बीजेपी नेता का आरोप है 8 जुलाई को पंचायत चुनाव में बदसलूकी की गई, कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, ये शिकायतकर्ता ने कहा है। क्या कहा है आपको सुनाएंगे, बीजेपी की महिला नेता है, उन्होंने कहा कि उनके साथ बदसलूकी की गई है जब पंचायत चुनाव हो रहे थे। आप खुद सुनिए। মানে বুথ থেকে আমাকে টেনে হিজড়ে চুলের মুঠি ধরে সিসি থেকে ফেলে দিয়েছিল, আমার আঁচলটা ধরে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিল। আমি পাশের বাড়ি একজনের কাছ থেকে গিয়ে একটা কাপড় ছিঁড়ে পরে আসি বাড়িতে। আমার স্বামী ওখানে, আমার স্বামী না থাকলে হয়তো আমাকে অন্য কিছু করেই ফেলতো। আমার স্বামী গিয়ে সেই মুহূর্তে আমাকে টেনে নিয়ে চলে আসে ওই জায়গা থেকে। তো ইয়ে হাম पीड़ित की बाइट आपको सुना रहे थे। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि जब पंचायत चुनाव हो रहे थे तो उनके साथ बदसलूकी की गई, कैसे उनके बाल पकड़े गए उन्होंने खुद कहा कैमरे पर आकर सामने। मनोज्ञा लोहिवाल ग्राउंड जीरो से जुड़ रही है हमारे साथ। मनोज्ञा, जो आरोप लगाए गए हैं उसमें शिकायतकर्ता जो बीजेपी नेता है वो साफ आके ये कह रही है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, तो अब तक का क्या अपडेट है, क्या कोई पुलिसिया कार्रवाई हुई, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी थाने में? देखिए, इस केस में बड़े दांवपेच है। पहला ये कि डीजीपी मनोज मालवीय ने खुद कहा कि जो कंप्लेन मिली है उसके आधार पर बार बार शिकायतकर्ता को बुलाया गया लेकिन वो आई नहीं मेडिकल टेस्ट के लिए। अब सवाल ये उठता है कि शिकायत जो हुआ है उसमें बीजेपी का दावा है कि बदतमीजी हुई है उनके उम्मीदवार के साथ, सीसीटीवी फुटेज निकाल सके, लेकिन बीजेपी का ये भी दावा है कि पुलिस सीसीटीवी बदल सकती है। हालांकि इसको पुलिस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दो पक्षों के बीच में जहां एक ओर सरकार है और वहीं दूसरी ओर विपक्ष, ये लड़ाई लगातार जारी है, जिसे मणिपुर की तर्ज पर बंगाल में लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं को उजागर किया जा रहा है। बीजेपी आमदा है ये बताने के लिए कि किस तरह से इस महिला के साथ बदसलूकी हुई, उसके कपड़े फाड़े गए जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस कंप्लेन की गई है और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ये आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि डीजीपी ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं हुई है, हर कार्रवाई के लिए पुलिस ने कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन विपक्ष की ओर से हर समय या तो बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच ये है कि एक राजनीतिक लड़ाई है जो लगातार तूल पकड़ती है। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन है तो 8 तारीख की ये पूरी वारदात है, जिस वक्त कपड़े फाड़े गए, जिस वक्त बदसलूकी हुई, क्या उस वक्त इन्होंने आवाज उठाई या नहीं उठाई, ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हिंसा से जुड़ी हुई पुरानी भले हैं, लेकिन मुद्दा अभी भी गर्म है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।